हेलो कैडेट्स, हेलो वेलकम टू द चैनल ऑफ कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। मैं रोशन सिंह हमेशा आपके साथ। कुछ लोगों को हल्की सी कंफ्यूजन है कि पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, पीडीएफ आपको मिलेगा कैडेट्स डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। दोनों पीडीएफ अपलोडेड है, परसों का भी और कल का भी। और आज का जो अपलोडेड होने वाला है वो है बेस्ड ऑन क्रिकेट बैटिंग एवरेज। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट वाले क्वेश्चंस देखेंगे हम ध्यान से। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही खुशबूदार कॉन्सेप्ट है। तो बैटिंग एवरेज देखेंगे हम, हमेशा से क्रिकेट तो खेलते आए हैं बचपन से, ठीक है, लेकिन बैटिंग एवरेज का रियल कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता। तो बैटिंग एवरेज का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है बच्चा। जिसको पीडीएफ नहीं दिख रही होगी मैं फिर से विजिबल करवा दूंगा, फिर से अपलोड करवा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। वरना आपको जो नंबर्स प्रोवाइड करवाया गया है, जो नंबर है टेलीग्राम चैनल पर, उस नंबर पे से आप व्हाट्सएप के लिंक से पे भी जुड़ सकते हो, वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इनकेस अगर पीडीएफ आपको नहीं दिख रहा होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां भी होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बैटिंग एवरेज, बल्लेबाजी औसत। तो भैया अटेंडेंस लेंगे, माता रानी का जयकारा लगाकर बोलो जय भवानी। जय जय भवानी। कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए माता रानी का नाम लेकर। आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, बैटिंग एवरेज। अब हम देखते हैं बैटिंग एवरेज क्या है, एकदम प्यार से समझना बच्चा। अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा बैटिंग एवरेज कौन लेकर पड़ा हुआ है? विराट कोहली। आजकल वनडे में उसका बैटिंग एवरेज चल रहा है 60 का। विराट कोहली का बैटिंग एवरेज चल रहा है 60 का, इसका मतलब यह मैं कह सकता हूं कि विराट कोहली जो है लगभग हर मैच में 60 रन की पारी मारता है। बच्चा एकदम बहुत प्यारा सा कंसेप्ट, आप ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। विराट कोहली का बैटिंग एवरेज अभी कितना चल रहा है? 60 रन का चल रहा है। मतलब विराट कोहली बहुत अच्छा बैट्समैन, 60 रन का बैटिंग एवरेज लेना मतलब लगभग हर मैच में 60 रन। कल के डेट में अगर विराट कोहली 0 पे आउट हो जाता है या 2 रन पे आउट हो जाता है तो उसकी बैटिंग एवरेज कम हो जाएगी। बट एक बात बहुत छोटा सा, कल मैंने नरेंद्र मोदी जी की बात की थी, है ना, तो भूल चुक माफ हो, है ना। वैसे बहुत ही गजब सी बात थी, तो आज भी एक गजब सी चीज सुन लो, आपको काम आने वाला, आप पूरा पकड़ लोगे। बैटिंग एवरेज, आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज बैटिंग एवरेज, तो बैटिंग एवरेज होता है, ध्यान से समझना मेरी बात को, बैटिंग एवरेज होता है रन स्कोर्ड बाय दैट बैट्समैन अपॉन में इनिंग्स टेकन, इनिंग्स प्लेड, रन स्कोर्ड अपॉन में इनिंग्स प्लेड, ये बैटिंग एवरेज होता है। कितने रन इस बैट्समैन में बनाया है अपॉन में, कितनी पारियां इसने खेली है। लेकिन ये जो इनिंग्स है मेरे दोस्त, ये जो इनिंग्स है ये आउट वाले इनिंग्स होते हैं, नॉट आउट वाले इनिंग्स को काउंट नहीं करते हैं। याद करो, सचिन तेंदुलकर ने हाईएस्ट 200 रन जब बनाया था उस दिन सचिन तेंदुलकर नॉट आउट रहा था। याद करो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ था, सचिन तेंदुलकर 200 रन पे नॉट आउट था। तो भैया उस दिन का रन जुड़ गया होगा उसके खाते में, लेकिन वो मैच नहीं जुड़ी होगी। जब उसके करियर का बैटिंग एवरेज निकला होगा तो वो वाला मैच नहीं काउंट हुआ होगा। इनिंग्स का मतलब होता है ऐसे मैचेस जिसमें वो आउट हो चुका है। तो ध्यान रखना, बैटिंग एवरेज होता है रन्स अपॉन में इनिंग्स, और ये इनिंग्स जो होता है ये आउट वाले इनिंग्स है। पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा बैटिंग एवरेज है सर डॉन ब्रैडमैन, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर का। उनका बैटिंग एवरेज 99.99 है। ऐसा नहीं है कि किसी का बैटिंग एवरेज 100 के ऊपर नहीं जा सकता, ये परसेंटेज नहीं है। किसी का बैटिंग एवरेज 205 भी हो सकता है अगर अच्छा खेलेगा तो। लेकिन इस बंदे का रिस्पेक्ट है भैया, वर्षों बीत गए, भारत के किसी भी प्लेयर ने इसका, इन भाई साहब का रिकॉर्ड तोड़ा ही नहीं है। सर डॉन ब्रैडमैन का एवरेज है 99.99। कहीं से मुझे इंडियन टीम में जगह मिल गई, मैंने अपनी पैर भी लगाए, मैंने मंत्री से बात करके कैसे भी मैंने इंडियन टीम में जगह ले ली। मैं उतरा 11वें नंबर पर, जीतने को चाहिए 1 रन, मैं उतरा 11वें नंबर पर। सामने से रबाडा बॉलिंग करके आ रहा, रबाडा को जानते हो, लंबा से एकदम पूरा
खतरनाक से उनने दांत दिखाए, ई ये बैटिंग करेगा? मैं बोला हाँ मैं करूंगा। उनने मुझे देखकर बॉल और घसना चालू किया, उनने थूक लगाया, रन अप भी और तेज लिया और बॉल किया, रन को चाहिए एक रन जीतने, मैं बैटिंग पर हूं। मैंने ऊपर से नीचे तक सब जगह गार्ड गार्ड पहन रखा है। बॉलर ने मारा धड़ से मेरे मुंह पर आया, मैं अपने आप को बचा रहा था, मैं शॉट नहीं मार रहा था भाई, मैं नहीं मार सकता ना बाड़ा को, मैं अपने आप को बचा रहा था, उंगलियों पर लगकर एक रन निकल गई। ध्यान रखे अगर उंगलियों पर लगता है तो बैट्समैन के रन पे होते, यहां लगता है तो टीम का होता है। उंगलियों पर लगा, एक रन निकल गया, हमारी टीम जीत गई, सबने मुझे गोद में उठा लिया, वाह 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 वाह, धड़धड़ वाले सर ने उठा एकदम जिता दिया, सब खुश हो गए, सब जिता दिया। अगले दिन फिर आया कि चलो आज फिर ऑस्ट्रेलिया से मैच है, मैंने बोला मैं नहीं जाता, काय बात का टेंशन भाई, सबने बोला चलो, मैं बोला मैं नहीं जाता, भैया विराट कोहली ने बोला मैं नहीं जाता, धोनी जी ने बोला मैं नहीं जाता, नरेंद्र मोदी जी ने बोला मैं नहीं जाता, सर डॉन ब्रैडमैन भी आ गए बोले चल जा, मैं बोला मैं नहीं जाता, डब्ल्यू बुश भी आ गया, मैं बोला मैं नहीं जाता, आखिर मैं क्यों नहीं जा रहा भाई साहब? मैंने अपने करियर में रन बनाए एक, जब मेरे करियर का बैटिंग एवरेज निकलेगा तो मेरे मैच होंगे जीरो, क्यों? मैं आउट नहीं हुआ था, उंगलियों पे लग के निकल गई थी रन, तो मैंने अपने करियर में बनाए एक रन और आउट हुआ नहीं। वन बाई जीरो होता है इन्फिनिटी, जिस बंदे का रिकॉर्ड पूरे इंडिया वाले में से किसी ने नहीं तोड़ा, मैंने एक ही दिन में तोड़ दिया, मैं इतिहास के पन्नों में अमर हो गया, तो मैं क्यों जाऊं खेलने? तो भैया मैं सिर्फ आपको ये बात बताना चाहता था कि बैटिंग एवरेज का मतलब होता है रन स्कोर्ड बटा इनिंग्स, और ये इनिंग ऐसे इनिंग होते हैं जिसमें वो आउट हो गया। तो जब भी इनिंग्स की बात चलेगी तो इनिंग्स में वो आउट हो चुका है, ठीक है? तो ये होता है आपका बैटिंग एवरेज। तो उड़ाओ, आज देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन उड़ाता है। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन ये रहा, सारे क्वेश्चन ऊपर ऊपर से करेंगे, उड़ा देंगे, अरे फोड़ दो, सारे क्वेश्चन ऊपर ऊपर से करेंगे। अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड 50 इन हिज फर्स्ट इनिंग्स एंड 52 इन हिज सेकंड इनिंग्स, हाउ मच शुड ही स्कोर इन हिज थर्ड इनिंग्स टू गेट एन एवरेज ऑफ 60 इन द थ्री इनिंग्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, मन मन में करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को हम मन मन में देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, जीना सीखेंगे, अर्थमेटिक मतलब जी लो जिंदगी, है ना? तो जी लेंगे। तो देखो ध्यान से कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से, बच्चा एकदम ध्यान से देखना, जिसको मैथ्स नहीं आता वो भी ध्यान देखेगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको मैथ्स ना आता हो, डेली लाइफ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने पहले इनिंग में 50 रन बनाए, अगले इनिंग में 52 रन बनाए, तीसरे इनिंग में वो कितना रन बना ले ताकि उसका एवरेज तीनों मैचों का 60 रन हो जाए। भाई साहब ये बंदा ये चाहता है कि बाबूजी ऐसा कुछ चमत्कार कर दो तीसरे मैच में ताकि मेरा टोटल एवरेज जो तीनों मैचों का हो जाए वो 60 रन का हो जाए, है ना? भैया फिर से देखो, पहले मैच में 50 रन, दूसरे मैच में 52 रन, तीसरे मैच में क्या मारूं ताकि एवरेज 60 हो जाए? एवरेज 60 बनाना है तो सब में 60 मारना पड़ेगा। हे वत्स, तूने पहले में 60 मारे नहीं, दूसरे में भी मारे नहीं, तो तू एवरेज 60 नहीं बना सकता जब तक तू इस मैच में 60 से ऊपर ना मार दे। तो देखो ध्यान से, तीसरे मैच में क्या मारेगा? 60 रन का एवरेज का मतलब तीनों मैचों में 60 होना चाहिए था, तो तीसरे मैच में तो 60 तो उसको मारना ही पड़ेगा, प्लस ऑफ पहले मैच में 60 से कितने कम मारे इसने? 10 रन। तो पहले मैच का 10 रन का भार उठाया, अगले मैच में 60 से कितने मारे उसने? 8 रन कम मारे, तो 8 मैच अगले मैच का मेकअप करेगा, तो टोटल कितना मारना होगा तीसरे मैच में? तो 60 10 70 और 8 78 मार, तो आंसर क्या हो गया? 78। तो तीसरे मैच का एवरेज 78। भैया तीनों में 60 बनाने के लिए 78, बोलो समझ में आया कि नहीं? नहीं आया, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन पक्का मन मन में उड़ाओगे। पहले देखो ध्यान से, ये बंदा पहले मैच में 50 रन मारता है, अगले मैच में 52 मारता है, कह रहा मैं बाबूजी मैं तीसरे में क्या मार दूं ताकि मेरा पूरा एवरेज 60 हो जा। मैंने बोला बाबूजी एक काम करो भाई साहब, तुम जाओ तीनों मैचों में 60 60 60 मार दो, एवरेज 60 हो जाएगा, 60 60 60 का एवरेज 60। बोला भाई साहब दो पारी तो खेल ली है। मैं बोला अच्छा 60 मारे थे? बोला नहीं बाबूजी 60 नहीं मारे थे, 50 मारा और 52। मैं बोला हे मूर्ख, 60 का एवरेज मारने के लिए तीनों में 60 मारना था, तो तू जा तीसरे मैच में तो तू 60 मार नहीं, प्लस पिछले दोनों मैचों की जो अपूर्ति रही उसे पूर्ण कर दे। 60 से कितना कम है? 10 कम है, तो 10 मैच 10 रन यहां कम रह गए, तो 10 रन यहां के और 8 रन यहां के, तो 78।
जितने लोगों को समझ में आ गया मुस्कुरा कर एकदम बता दे फटाक से, और फटाक से वीडियो शेयर करे, आज की क्लास डेडली इंपॉर्टेंट होने वाली है। 78 जय हो सर, बहुत बढ़िया, खूबसूरत बच्चा, खूबसूरत। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, उड़ा दो ऊपर से। 78 आ गया दोस्त, आ गया 78, मुस्कुरा दे फटाक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन मन मन में उड़ा रहा है। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, उड़ाए ऊपर से क्वेश्चन दे, ऊपर से क्वेश्चन उड़ाए, ऊपर ऊपर से उड़ाए। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। क्लासेस डेली होगी बच्चा, हाँ मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास रेगुलर चलेगी। गजब ट्रिक, बहुत सही बच्चा, उड़ाओ ट्रिक समझ में आ गया तो। एक बार फिर से बच्चा इस क्वेश्चन में दे दूंगा मैं, कल से जीएस की क्लास चलेगी और इंग्लिश की क्लास चलेगी, 11 तारीख से इंग्लिश की क्लास चलेगी और कल आपकी जीएस की क्लास चलेगी, टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आंसर दे ऊपर से भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड पहले मैच में कितना, 32 रन, फिर कितना, 38, 26 और 41 इन इस 4 इनिंग्स। अरे भैया इसको ऊपर से उड़ाओ, अरे मेरे योद्धा हो आप लोग वाई ग्रुप के, है ना, पेन नहीं उठाने का, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक बंदे ने पहले मैच में 32 रन मारा, अगले मैच में 38 मारा, उसके बाद के मैच में 26 मारा और फिर उसके बाद 41 मारा, ये उसके चार मैच के स्कोर है, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हाउ मच एवरेज स्कोर ही शुड स्कोर इन हिज नेक्स्ट 3 इनिंग्स, अगले 3 पारियों में कितने रन बनाए, अगले 3 पारियों में टोटल कितने रन बनाए ताकि उसका एवरेज 50 हो जाए। बहुत ही प्यारा नंबर है, देखो ध्यान से, ऊपर ऊपर से अगर समझ में नहीं आया तो बताना कि सर हाँ नहीं समझ में आया। देखो ध्यान से, इसने 4 पारी खेल लिए, 4 पारी का एवरेज कितना है, 4 पारी में रन क्या है, 32, 38, 26 और 41। ये मेरे पास दौड़ते आया, बोला बाबूजी ऐसा है कि मुझे अपने एवरेज को 50 मारना है। मैं बोला अच्छा 50 का एवरेज चाहिए, 50 के एवरेज के लिए जा वत्स हर मैच में 50 मार के आ जा। बोला बाबूजी 4 पारी खेल ली मैंने और 50 तो मैंने आज तक नहीं मारा। मैं बोला तू तो अलग खतरनाक आदमी है, तू तेरी डिमांड 50 की और तू 50 ही नहीं मार रहा। तो भाई साहब 50 जब तक नहीं मारेगा सारे मैचेस में एवरेज नहीं बनेगा। बोला बाबूजी वो छोड़ दो, अब तो जो बीत गया वो बीत गया, अब बताओ क्या करूं। मैं बोला क्या चाहता है, बोला अगले 3 पारी में बाबूजी मैं कितना 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 मारूं ताकि मेरा एवरेज 50 में बन जाए। मैं बोला देख तेरे को अगर 50 का एवरेज बनाना है तो सब में 50 मार दे, अगर तू 4 पारी खेल लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक काम कर अगले 3 पारियों में तो 50 50 50 मारना ही मारना है ना, इतना तो तू मार नहीं, प्लस उसके बाद तो 50 × 3 कितना, अगले 3 पारियों में 150 रन तो तू मारना ही, इसमें भी 50 मारना, इसमें भी मारना, इसमें भी मारना, 150 तो मारना ही मारना, उसके बाद पहले जितना कम मारा है 50 से उसको भी मारते चले जा। बोला बाबूजी 50 मारना था, बोला हाँ, इसमें कितने कम रह गए 50 से, कितने कम रह गए 18, इसमें कितने कम रह गए 12, इसमें कम कितने रह गए 24 और इसमें कम कितने रहे 9, तो जा बस पहले इन तीनों मैचेस के तो 50 50 50 मारना ही मारना, 50 का एवरेज मारने के लिए सब में 50 मारना होगा, तो इन तीनों पारियों में तो 50 50 50 मारना ही मारना और पहले 50 से जितना कम है उसको भी मार के आ जाना। जोड़ दो सबको, 8, 2, 10, 4, 14, 9, 23 भैया लास्ट में किसका, तो 213 रन। तो भैया अगले 3 पारियों में तुझे 213 रन मारना होगा। कितने लोगों का आंसर आ गया मुस्कुरा कर बता दे, मुस्कुरा से बता दे, 1145 लोग। आंसर ऊपर ऊपर से करना है ना कि गुना भाग करना है, कैलकुलेशन नहीं करेंगे कभी भी, कैलकुलेशन का नौबत आएगा, डिजिटल सम यूज करेंगे हम, डिजिटल सम हम यूज करेंगे, हम आगे देखेंगे व्हाट इज डिजिटल सम। 213, बहुत सही दोस्त, बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखते हैं कि इस कैडेट्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में सबसे खतरनाक बंदा कौन है जो धड़ से आंसर देता है। मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, देखते हैं क्या करते हैं, फिर से देख लो मैंने क्या किया। तो भैया 50 50 50 तो करना ही था, ठीक है ना, तो देखो ध्यान से, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है यूट्यूब चैनल पर। मान लो एक बंदे ने 2 मैचेस में मारे हैं 41 रन और 55 रन,
ये चाहता है कि तीसरा मैच में इन दो मैचेस में कितने रन मारू, इन दोनों मैचेस में मिलाकर कितने रन मारू ताकि इसका एवरेज जो है वो 60 रन का हो जाता है। देखते हैं इस यूट्यूब चैनल पे सबसे खतरनाक कौन है, सबसे आंसर आता है। दो मैचेस में 41 और 55 मार दिए, इन दो मैचेस में कितने मारू ताकि एवरेज 60 हो जाए। देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। एक स्वर्णकार, 224 पब्लू, 124 अनिल कुमार वर्मा, 144, 164, 84, 213, 134 दान दो योद्धाओ, एवरेज 60 मारना है, जा तू चारों में 60 मार दे। बोला बाबूजी दो मैच तो खेल चुका मैं, भूतकाल का छोड़ो भविष्य का बताओ। तो बाबूजी ऐसा है, चारों मैचेस में एवरेज 60 बनाने के लिए सब में 60 60 60 मारना होगा। तूने नहीं मारा 60, पूर्ति करना पड़ेगा। 60 से कितने कम मारे यहां पर, 19, तो यहां के 19, और 60 से कितने कम, 5, तो यहां के 5, तो 19 और 5 24 रन को और मारना पड़ेगा। हाँ आना, 60 रन का एवरेज बनाना था तो सब में 60 मार, तो 60 60 इन दोनों के तो 120 मारने होंगे, और पीछे के 24 तो भैया कितने हो गए, 144। जितने लोगों का आंसर आ गया, समझ में आ गया, मुस्कुरा दे एक बार, 144 मुस्कुरा दे जितने लोगों का आंसर आ गया, धन से 144, 144 बहुत सही बहुत सही बहुत सही, बेहतरीन बेहतरीन। आए एक कंसेप्ट पे दो क्वेश्चन करवा दिया, कंसेप्ट चेंज करे बोलो हां, एक कंसेप्ट पे दो क्वेश्चन करवा दिया। अब अगला कंसेप्ट देखो ध्यान से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट, अगर क्रिकेट का ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, खतरनाक कंसेप्ट है, उड़ा दे। एक कंसेप्ट पे दो क्वेश्चन कर दिया मैंने, अब अगले कंसेप्ट पे फिर से दो क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पेन नहीं उठाएंगे हम बिल्कुल भी, ऊपर ऊपर से करेंगे, विजुअलाइज करो चीजों को दोस्त, लाइफ में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं, और एकदम खुश रहेंगे और उड़ाएंगे धड़ाक से। द एवरेज रन ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग वॉज 32। भैया एक क्रिकेट प्लेयर ने 10 मैच खेले और इस 10 मैच का इसका एवरेज कितना है, 32 रन का एवरेज है, टोटल कितना मारा होगा, 320। 10 मैच का इसका एवरेज कितना है, 32 रन है। द एवरेज ऑफ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग इज 32, 10 पारियों का औसत कितना है, 32 है। कह रहा है अगली पारी में हाउ मेनी रन मस्ट स्कोर इन नेक्स्ट इनिंग, अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि उसका एवरेज 4 रन बढ़ जाए, इंक्रीजेस बाई 4, उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। ध्यान दो, विराट कोहली कह रहा है कि बाबूजी मैं 10 मैच खेल रखा और मेरा औसत है 32, बाबूजी ये बता दो कि अगले मैच में मैं कैसा खेलूं ताकि मेरा औसत 4 रन बढ़ जाए। मैंने बोला हे विराट क्या चाहता है तू, तो विराट ने बोला कि भाई साहब मैं चाहता हूं कि मेरा एवरेज बढ़ जाए। अगली पारी मतलब पारी नंबर 11 खेलने गया, तो मैं बोला जा विराट तेरा एवरेज 32 ऑलरेडी चल रहा है, तू जा और अच्छा खेल के आ। अगर विराट कोहली को अपना एवरेज बढ़ाना है तो विराट कोहली को 32 से ज्यादा मारना पड़ेगा, अगर विराट कोहली 32 से कम मार कर आया तो उसने अपने एवरेज का सत्यानाश कर देगा। अगर विराट कोहली 32 पे आउट हो गया तो भाई साहब तेरा एवरेज 32 था, तू 32 में बोल्ड होकर आ गया, तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होगा। हे विराट तुझे अपने एवरेज को 4 बढ़ाना है तो जा जा और अगली पारी में 32 रन से ज्यादा मार के आ। बोला 32 से क्यों ज्यादा बाबूजी, बोला मैंने बोला तूने तो अभी बोला कि मुझे अपने एवरेज को बढ़ाना है, अगर तुझे अपने एवरेज को बढ़ाना है तो 32 का ऑलरेडी मार करवाना होगा क्योंकि तेरा रेफरेंस एवरेज 32 है। विराट गया बोला बताओ बाबूजी कितना मारू, मैं बोला क्या बढ़ाना है, तो बोला औसत बढ़ाना है, औसत एक ऐसा कद्दू है जो कट जाएगा और सब में बट जाएगा, औसत बढ़ाना है 4 रन, कितनी पारियों में, 11 पारियों में, तो 11 पारियों में 4 रन अगर बढ़ाना है तो 32 प्लस 44 कितने हो गए भैया, तो विराट कोहली को अगली पारी में 76 रन बनाने होंगे, 76। तो आंसर क्या हो गया, 76 76। क्या इसमें पेन लगता, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं लगेगा, वरना मुझे इसको एक्स से करना पड़ेगा, हाउ मच रन मस्ट ही मेक्स, तो एक्स मानना पड़ेगा, वो ना करके ऊपर ऊपर से देखो ध्यान से किस तरीके से करेगा, अरे वाई ग्रुप वालो ऊपर ऊपर से उड़ा लो, फिर से देखो ध्यान से, कह रहा है विराट कोहली के 10 पारियों का औसत कितना है, 32, मतलब भाई 32 तो मारता है,
कह रहा अगली पारी में कितना मारे ताकि एवरेज चार बढ़ जाए। तो हे विराट तेरा एवरेज कितना था? तो बोला 32। मैं बोला जा 32 से ज्यादा मार क्या? बोला बाबूजी कितना मारू? मैं बोला क्या करना है तुझे? तो बोला भैया एवरेज चार बढ़ाना। मैं बोला देख एवरेज बढ़ेगा तो सारी पारियों का बढ़ेगा, तब जाकर एवरेज बढ़ता है। 11 पारियों का एवरेज चार बढ़ाना, तो 11 गुना चार कितना? 44 रन एक्स्ट्रा मार के आ। तो भैया 32 प्लस 44 कितना? 76। जितने लोगों का आ गया एक बार जितने लोगों को समझ में आ गया एक बार फटाक से दिल ठोके 76 उड़ा दो फटाक से। अगला क्वेश्चन तैयार रहेंगे ऊपर ऊपर से उड़ाने के लिए। कितने लोग कह रहे ऊपर से उड़ा देंगे दोस्त? ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। और ये रहा अपने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, ऊपर सुड़ाएं। अरे तुम्हें सौगंध है तुम बिना पेन के उठा के कर लो। अरे उड़ा दो ऊपर से उड़ा दो। बहुत सही, खतरनाक दिल, रंग बिरंगे दिल आ रहे हैं, उड़ा देंगे। अरे वाह सोहन प्रजापति, वेरी गुड, ऊपर से उड़ा दो। 78 आया लोगों का, 76 आया, 77 भी आया है, 77 ज्यादा आ रहा है आंसर। क्या ये क्वेश्चन ऊपर से हो जाएगा? क्या ये क्वेश्चन ऊपर से हो जाएगा? भैया देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन ऊपर से करना है आपको। द एवरेज रन ऑफ क्रिकेट ऑफ 10 इनिंग वॉज 32। अच्छा ये पुराना ही आ गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब तक आगे होगा आप लोग का आंसर। क्वेश्चन कह रहा है देखो ध्यान से, कितने क्लियर कितने प्लेयर खेल रखे इसने, कितने मैच खेल रखे भैया इसने? इसने मैच खेल रखे 8। भैया 8 मैच इसने खेल रखे और 8 मैच का जो एवरेज है वो है 32। मेरा भाई कैसा खेलता भाई है? तो बोला ये तो लगभग हर मैच में 32 बना लेता। भैया डेली लाइफ में ध्यान रखो, कहीं आप लोग मैच को दोष मत देना बिल्कुल भी कि बाबू जी मैच टफ होता है, अर्थमेटिक टफ नहीं होता। ध्यान रखो अर्थमेटिक आपके डेली लाइफ से कनेक्ट है। मैंने बोला भाई ये कौन लड़का है? तो बोला भाई एक लड़का है, इसका नाम है राम, है गली में ही रहता है। मैं बोला कैसा खेलता है? बोला 32 रन का एवरेज है भाई का। बोला अच्छा, बोला हाँ। अब ये लड़का मेरे पास आया, कह रहा है कि 8 इनिंग का औसत कितना है? 32 रन का औसत है। कह रहा है अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 5 रन बढ़ जाए। भाई इसकी एवरेज ऑलरेडी 32 है, ये चाहता है मेरा एवरेज 5 बढ़ जाए। तो हे वत्स जा और जाकर 32 से ज्यादा मार के आ। मैं बोला क्यों? मैं बोला जब तक तू 32 से ज्यादा नहीं मारेगा तेरा एवरेज नहीं बढ़ सकता, क्योंकि तेरा रेफरेंस ही 32 है। तूने अपना रेफरेंस सेट कर रखा कि मेरी औकात तो 32 की है। अगला पारी मतलब पारी नंबर 9 खेलने गया ये, अगले पारी में उसको अगर एवरेज बढ़ाना है तो 32 से ज्यादा मारना होगा। अगर घटाना होता तो मैं क्या करता? माइनस करता। एवरेज बढ़ाना कितना है? 5 रन। और एवरेज किस में बटेगा? एवरेज सारे पारियों में बटता है, एवरेज सब में बटता है। कितने पारी खेल लिए? 9 पारी। 9 पारियों का औसत अगर 5 बढ़ाना है तो जा तू 32, तूने अपनी औकात सेट कर रखी, अपनी औकात से ज्यादा मार किया तब तेरा एवरेज बढ़ेगा। बोला भाऊजी कितना? मैं बोला कितना बढ़ाना है? तो बोला 5 रन। कितनी पारियों में? 9। अरे 9 पारियों में 5 रन एक्स्ट्रा मारना तो 9×5=45। तो भैया 32 रन तो तू मार ही, इससे तो कम सोच ही मत लेना वरना एवरेज घट जाएगा। जाके 45 एक्स्ट्रा मार तो कितना हो गया आपका? 77 रन। बताओ कितने लोगों ने उड़ा दिया? जितने लोगों ने उड़ा दिया ठोके लाइक, 1153 लोग, 909 लोग लाइक ठोक चुके हैं। बहुत सही, सबको आना चाहिए, सारे के सारे लोगों को। 77, क्या मैं पेन उठा रहा हूं? नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए। एवरेज बढ़ाना है 32 से ज्यादा मारो। कितना ज्यादा मारो? एवरेज बढ़ाना है 5। कितनी पारियों में? तो 5 बढ़ाना 9 पारी में, तो 9×5=45 एक्स्ट्रा मार के आएंगे, तो 45 एक्स्ट्रा। ठीक है, हम पेन नहीं उठा रहे, ध्यान रखो हम जी रहे हैं जिंदगी को। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कौन अपनी जिंदगी जीता है। जी लो जिंदगी, जाओ जाओ जाओ, मैं नहीं रोक रहा हूं, जाओ जी लो, जाओ 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 है हाँ, जी लो जिंदगी इस क्वेश्चन में, जाओ। बहुत सही, बहुत सही। उड़ा दे
उड़ा दे आंसर। अरे बहुत सही, धड़धड़ा कर आंसर आ, सबका आंसर। खूबसूरत बात पता है क्या है कि आप लोगों के आंसर लगातार आ रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदा है लाइव सेशन में। वरना कई बार तो ऐसा होता है कि भैया सन्नाटा सा छा रखा, पता नहीं क्या ही चल रहा। सबसे बड़ी बात है कि कभी दिल आ रहा, कभी किसेस आ रहे हैं, कभी आंसर आ रहा, कभी गलत आंसर आ रहे हैं, कभी कोई धड़धड़ दिख रहा है। अरे बहुत सही बच्चा, 227 आंसर आ रहा, 306 लोगों को आ रहे हैं लगातार, लगातार लोगों के 306 आंसर आ रहे हैं। देखो फोड़ दो इसको, देखो ध्यान से, क्या ये क्वेश्चन मैं मन मन में कर सकता हूं? हाँ, किस तरीके से कर सकता हूं? जो मैं कर रहा हूं उसे मन मन में करना है। अ क्रिकेटर हैज कंप्लीटेड 31 इनिंग, भाई ने 31 पारी खेल लिए, वेरी गुड भाई, एंड हिज एवरेज इज 18 रन। कैसा औसत है? तो बोला भैया औसत तो 18 रन है। मैंने पूछा हाँ भाई ये कौन लड़का है ये? बोला ये तो रोहित शर्मा है, तू नहीं पहचानता? मैं बोला हाँ पहचानता तो हूं, क्या चल रहा है औसत रोहित का? बोला रोहित का औसत तो 18 रन चल रहा है, 31 पारी खेल लिए, भाई का औसत चल रहा है 18। टोटल कितने बनाए होंगे? तो 31 गुना 18। मैंने कैलकुलेशन नहीं करना, छोड़ दिया मैंने कैलकुलेशन करना। 31 बारियों की औसत रन संख्या 18 रन है। कह रहा है हाउ मेनी रन मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू रेज हिज एवरेज 227। हिंदी में क्लियर है, इंग्लिश में 27 बनाना है। अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 27 हो जाए? रोहित शर्मा कह रहा बाबूजी ऐसा है, सब थूतू थूतू कर रहे, मेरा औसत 18 रन है, कहां विराट का 60 रन चल रहा है, मेरा 18 है। बाबूजी कुछ ऐसा बताओ ताकि मेरा 18 से मेरा औसत कितना हो जाए? 27 रन हो जाए। मैं बोला ऐसे नहीं होगा, करने से होगा। रामा बाबा रामदेव भी यही कहते हैं, करने से होगा, तू कर तो होगा, नहीं होगा तो बोल दियो मुझसे। शर्मा जी ने बोला बाबूजी क्या करना है? मैं बोला जा, और जा तू पारी नंबर 32वें में खेलने जा। बोला फिर? मैं बोला क्या चाहता है तू? तो बोला भाई साहब 18 से मेरा पारी औसत 27 हो जाए। बोला अच्छा, तो तू अपने पारी को के औसत को 9 रन बढ़ाना चाहता है? बोला हाँ। मैं बोला देख ले, 9 रन एक्स्ट्रा नहीं है, औसत 9 बढ़ाना। बोला हाँ बाबूजी, हाँ हाँ और हाँ, मुझे अपने औसत को 9 रन बढ़ाना है, बताओ मैं करने को तैयार हूं। मैं तो बोला हे रोहित शर्मा तू जा भैया, इसने इसका 31 पारियों का एवरेज कितना था? 18। विराट कोहली रोहित शर्मा चाहता क्या? उसका एवरेज 27 हो जाए, मतलब कितना रन बढ़ जाए? उसका एवरेज जो है 9 रन से बढ़ जाए। 9 रन बढ़ाने के लिए इसको अगली पारी में, मतलब पारी नंबर 32, इसको औसत बढ़ाना है सारे पारी में। सारे पारी मतलब पूरे 32 के 32 पारियों का औसत बढ़ाना चाहता है। तो शर्मा जी ऐसा है, जाइए और 18 रन से ज्यादा फोड़ के आ जाइए। बोला क्यों? मैं बोला शर्मा जी आपने अपना रेफरेंस सेट कर रखा 18 रन, आपको 18 से 27 मारने के लिए जाकर बहुत बेहतर खेल के आना होगा। बोला कितना एक्स्ट्रा करना है? तो मैं बोला आपको अपना एवरेज अगर 27 बनाना है तो एवरेज को 9 अगर बढ़ाना है और वो भी 32 पारियों में, तो 32 गुना 9 एक्स्ट्रा मारकर आना होगा। इतना तो मार नहीं मारना, ये तो आपका एवरेज है, 32 गुना 9, 9 रन बढ़ाना है 32 पारियों में, तो 32 गुना 9 बढ़ा दो। डिजिट सम से कर दो, इसका डिजिट सम 0 हो जाएगा। खैर डिजिट सम मैं आपको सिखाऊंगा, डिजिट सम से बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं होता है। तो ये 18 प्लस ऑफ ये कितना भैया, ये कितना हो गया? 288 हो गया। तो बराबर कितना हो गया आपका आंसर? 306। तो भैया शर्मा जी 306 अकेले मार के आई हो, तो 306, 306 बहुत से बेहतरीन बेहतरीन। अरे 1190 लोग, तीन क्वेश्चन एक कंसेप्ट पे, तीन क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ये तीसरा कंसेप्ट था, विराट कोहली का 31 पारियों का औसत रन संख्या 18। कंसेप्ट चेंज होने वाला है, दो कंसेप्ट के, दो क्वेश्चन के बाद कंसेप्ट चेंज। 31 पारियों की औसत रन संख्या 18 है, शर्मा जी चाह रहे थे उसका एवरेज 27 हो जाए, तो शर्मा जी को 18 से ज्यादा मारना होगा। कितना ज्यादा? शर्मा जी चाह रहे थे कि एवरेज 9 बढ़ जाए। कितनी पारियों का? तो 32 पारियों का। तो हे शर्मा जी 32 गुना 9 एक्स्ट्रा मार के आइए। एवरेज एक ऐसा कद्दू होता है जो सब में बढ़ता है, तो भैया 32 के 32 लोगों में 9 बढ़ाना है तो 32 गुना 9। कहीं एवरेज घटाना होगा तो माइनस कर देना। खैर इस क्वेश्चन में नहीं होगा वरना नेगेटिव आंसर आएगा। अगर कभी एवरेज कम करना होगा तो माइनस कर देना। अगला क्वेश्चन, कंसेप्ट चेंज, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कंसेप्ट चेंज।
उड़ा दो, उड़ा दो आंसर। जय हिंद जय हिंद। यहां ये बोल्ड हो गया जीरो में, देखो इसके साथ क्या घटना घटी। एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इन 11 इनिंग्स 60 रन। भैया पारी कितने खेल रखे हैं? 11, और एवरेज कितना है? तो 60 रन है। नेक्स्ट इनिंग में 0 रन बनाया, नया एवरेज क्या होगा? बेसिक समझो, बेसिक समझो, क्वेश्चन नया टाइप का है भाई साहब। ऐसा है, विराट कोहली का एवरेज 60 रन चल रहा है। हे विराट, कभी भी तू 60 रन से कम मत मारना, तेरा एवरेज कम हो जाएगा। विराट कोहली पक्का इतना कॉन्फिडेंस में गया, 0 पे बोल्ड। विराट कोहली ने अगली पारी में फोड़ दिया, 0 रन खत्म। तो भाई साहब, विराट कोहली अगर 0 रन मार कर आएगा तो एवरेज कम हो जाएगा। अरे इसने अपनी औकात सेट कर रखी, एवरेज मतलब औकात होता है। अरे 0 पे आउट हो गया, 0 पे आउट होगा तो एवरेज कम हो जाएगा। बेसिक समझो और ऊपर ऊपर से देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत नंबर दिया, गुना करने में कोई टेंशन नहीं है। अरे 11 पारियों का औसत अगर 60 है तो टोटल कितना मारा होगा? तो टोटल मारा होगा 11 गुना 60, कितना हो गया आपका? 660। क्लियर है भाई साहब? 11 पारियों का अगर औसत 60 है तो टोटल 11 कितना हो गया? 660। अगली पारी में इसने क्या किया? तो अगली पारी में इसने मारे कितने रन? 0 रन। तो अब जो टोटल स्कोर होगा कितना होगा? 660 प्लस 0 कितने हो गए? 660 ही रहेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, अब जब नया एवरेज निकालोगे तो रन बटे में कुल इनिंग, कुल इनिंग कितना हो चुका है? 12। याद करो, वो 0 रन में आउट हो चुका है। आउट आउट, नॉट आउट नहीं है, वो आउट हो गया। विराट कोहली आउट हो चुके हैं। ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे मित्र है। कल से आपको जीएस पढ़ाएंगे, तो सर सबको, सर को एकदम प्रणाम करें। जीएस के खतरनाक तड़कते भड़कते फैकल्टी हैं ये, बहुत ही खतरनाक फैकल्टी है ये। कल से आपके साथ में आने वाले हैं शेरो शायरी लेते लेते हुए। नाम है राजस्थान के बहादुरगंज से, ओम प्रकाश पटेल। ठीक है, तो कल से आप लोग कहिए लेने आएंगे। शनिवार रविवार मैं नहीं रहूंगा, सर आएंगे। भैया देखो ध्यान से, 11 लोगों का एवरेज 60 रन है। 11 लोगों का एवरेज 60 है, टोटल कितना हो गया? 660। अगली पारी में 0 रन बनाया तो टोटल अब भी 660 है। लेकिन भाई विराट, अरे तू तो 0 पे आउट हो गया मेरे भाई। आउट हो गया, आउट हो गया तो इनिंग काउंट हो गया। तो भैया 660 बटा 12 कितने हो गए? एवरेज कितना हो गया उसका? 55। तो आंसर क्या होगा? 55। लेकिन ये तो मेरे कैलकुलेशन वाला पार्ट हुआ। कहीं खुदा ना खास्ता यहां, खुदा ना खास्ता यहां 31 पारियों का औसत 67 हो। देखो बहुत लोग क्लास चला रहे, लेकिन देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। कैलकुलेशन को कैसे झेलूंगा मैं एग्जाम हॉल में? भाई साहब, अगर यहां 31 पारी और यहां 67 रन हो जाता तो मैं 31 गुना 67 नहीं कर पाता। पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम में 31 गुना 67 जल्दी से कर लिया जाए। कैलकुलेशन में नहीं फंसना है। करेंगे कैसे? ध्यान दो, करेंगे कैसे? ध्यान दो, 11 पारियों का औसत 60 है तो टोटल कितना हो गया? 660। अगली पारी में 0 बनाया तो टोटल कितना हो गया? 660 ही रहा। लेकिन अब पारी कितने हो गए? 12, तो काट दिया। अब देखो इसको ऊपर ऊपर से कैसे करेंगे। मैं कह रहा हूं, मेरी बात को खुद से एक बार पूछ कर देखना दोस्त। ये कर दिया इस तरीके से, आपको लगा बहुत अच्छा बात है सर, लेकिन खुद से पूछ कर देखो कि अगर यहां पर 71 पारी होता और यहां पर अगर 43 रन होता तो क्या मैं 71 गुना 43 एग्जाम हॉल में जल्दी से कर पाऊंगा? नहीं होगा मुझसे, मैं एग्जाम हॉल में थक जाऊंगा। और अगर मैं थक गया, मेरी एक्यूरेसी कम, और मेरी एक्यूरेसी कम तो मेरा स्पीड कम, और मेरा स्पीड कम तो मेरा क्वेश्चंस के अटेम्प्ट कम, और अगर अटेम्प्ट कम होगा तो वाई ग्रुप का एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। तो देखो ध्यान से किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से करेंगे। देखो ध्यान से, ओरल करो। देखो ध्यान से भैया, 11 पारियों का औसत कितना है? 60। एकदम प्यार से समझना, जीएंगे जिंदगी। विराट कोहली को मैंने बोला था, हिदायत देखकर कान में फूंक दिया था, भाई विराट एक काम करना। अनुष्का जी ने फूंक दिया, मैडम ने, अनुष्का मैम ने बोला था कि विराट देखो एवरेज 60 का है, तुम 60 से कम मार के आना, 60 से ज्यादा मार के आना। विराट गया खेलने, उसने बोला कि मैडम ने बोला 60 रन से ज्यादा मारने, तो 60 से तो ज्यादा मारूंगा ही भाई हूं। अगर 60 से ज्यादा नहीं मारेंगे तो एवरेज कम हो जाएगा। विराट कोहली मारने गए,
60 से जितना कम मारेंगे वो सब में बढ़ जाएगा, उतना कम 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 हो जाएगा। विराट कोहली गए और उसने अपनी 12वीं पारी में मारे कितने रन? 0 रन। मारना था 60 रन, मारे 0 रन। अरे कितना कम मार दिया, तो 60 के 60 रन कम मार दिए इन्होंने। जहां एवरेज 60 मारना था, मारे 0 रन। कितने कम मारे? तो 60 के 60 कम मारे। क्या होगा इसकी नुकसान की भरपाई? सारे के सारे मैचेस करेंगे 12 मैचेस, तो भैया 60 बटे में 12 कितना हुआ? सबसे औसत 5 कम हो जाएगा, तो एवरेज 5 रन कम हो जाएगा। तो जो एवरेज 60 रन का था, अब वो एवरेज कितना होगा? 55 हो जाएगा। एक्स्ट्रा मारोगे सब में बटेगा, कम मारोगे सबसे घटेगा। यही तो होता है भाई। अगर मैं अपने एवरेज से ज्यादा मारता हूं तो सब पे बढ़ जाता है, एवरेज से कम मारूंगा तो सबसे घट जाऊंगा। विराट को बोल रखा था मैंने कि 60 रन से ऊपर मार के आना, विराट 0 पे आउट हो गया। तो अगर 0 पे आउट हो गया तो कितना कम मारा? जहां 60 मारना था वहां 0 मारा, तो 60 रन कम मारा। इसका भुगतान सारे मैच करेंगे, एवरेज पूरा कम हो जाएगा, 12 के 12 मैच में भुगतेगा। तो 60 बटा 12 पांच पांच रन सबसे कट जाएंगे, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर विराट कोहली ना, तो आंसर कितना हो गया? 55 रन। ध्यान रखना, अगर इसी क्वेश्चन में विराट कोहली ने 36 रन मारा होता, ध्यान दो, अब क्लियर हो जाएगा। अगर विराट कोहली ने 36 रन मारा होता, मारना था 60, मारा 36, कितने कम मारे? 24 रन। तो 24 रन कम हो जाएगा कितनी पारियों में? 12 पारियों में। तो कितना कम हो जाएगा? 2-2 रन कम हो जाएगा। तो जो 60 चल रहा था एवरेज, वो कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। समझ गया भाई? एवरेज बढ़ेगा सब में बढ़ेगा, एवरेज घटेगा सबसे घटेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था, कंसेप्ट चेंज। अगर आपसे बैटिंग एवरेज एग्जाम में पूछा तो इंपॉर्टेंट क्या है, वो अगला 4 क्वेश्चन। इसीलिए इस बार मैं 4 क्वेश्चन लाया हूं। अगर आपसे एग्जाम में बैटिंग एवरेज पूछा तो अगले क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्रिकेट पूछेगा तो बैटिंग एवरेज में जो आने वाला क्वेश्चन है वही पूछता है मैक्सिमम टाइम्स। एकदम प्यार से देखेंगे एकदम। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर कोई क्रिकेटर अपने एवरेज से ज्यादा मारता है तो एवरेज बढ़ेगा, कम मारेगा तो एवरेज घटेगा। तो भैया तैयार हो जाओ वो क्वेश्चन के लिए जो बैटिंग एवरेज की जान या नींव है, कह सकते हैं हम, जो एग्जाम में फंसता है। क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन आपके सामने मैंने दे दिया। पीडीएफ आपको कैडेट्स डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखो अब ये क्वेश्चन जान आ गया, ये बैटिंग एवरेज का ये जान है क्वेश्चन। बच्चा प्यारे बच्चों, इसको आराम से सीखना है। ठीक है, अब तक एवरेज दे देता था, इस क्वेश्चन की पहचान ये है कि वो एवरेज नहीं देगा, तो कैसे करेंगे? विराट हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 11 इनिंग्स। बेसिक भी बताता हूं मैं, इसके टोटल इनिंग कितने हैं? 11। फिर हम ऊपर ऊपर से करेंगे, और एवरेज कितना है? तो एवरेज सर्टेन है तो उसने एक्स रन मार लिया। ठीक है, बेसिक समझेंगे। विराट कोहली का 11वें पारी का औसत कितना है? नहीं पता, तो एक्स रन मार लिया। विराट कोहली ने टोटल कितना मारा होगा? तो विराट कोहली ने टोटल 11 एक्स रन मारे होंगे। 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, विराट के 11 पारियों का कुछ औसत है, कुछ औसत को मैंने एक्स रन मार दिया, वो मुझे पता नहीं है, तो मैंने 11 एक्स टोटल मारा। अगली 12वीं पारी में वह 120 रन बनाता है, 12वीं पारी में 120 बनाता है, मतलब कितना होगा आपका? 11 एक्स पहले बना चुका था, 12वीं पारी में 120 और बना दिया। अब इसके कितने मैच के रन हो गए? ये 12 मैच के टोटल रन आ गए। औसत निकालना है तो उसको 12 से डिवाइड कर दो, और औसत के बारे में क्या बोला है? जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ गया, हिज एवरेज इंक्रीजेस बाय 5 रन्स। औसत 5 रन बढ़ गया, मतलब जो पुराना औसत एक्स हुआ करता था, अब वो एक्स नहीं है, अब वो कितना बढ़ चुका है? 5 बढ़ चुका है, तो एक्स प्लस 5। ये इसका ट्रेडिशनल तरीका है, ये इसका बच्चा, प्यारे बच्चों ये ट्रेडिशनल तरीका है, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी, मैंने एक्स मान लिया। अगली पारी में उसने कितना बनाया? तो भैया 120, 11 एक्स पहले बना चुका था, अब 120 और बना दिया, ये उसके 12 पारी के रन है।
तो 12 पारी का रन है तो 12 से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकल कर आ जाएगा टोटल रन बाई टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। और औसत के बारे में बोल रहा है कि पहले से औसत 5 बढ़ गया तो एक्स प्लस 5, इसको गुना करो क्या होगा 11 एक्स प्लस ऑफ 120 इक्वल्स कितना आ गया आपका 12 एक्स प्लस ऑफ कितना होगा आपका 60 होगा। ये एक्स उधर जाएगा, 12 एक्स में से 11 एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा आपका एक्स बराबर कितना हो जाएगा 60 रन आ गया। तो भैया ये 60 रन क्या निकल कर आया, यहां ध्यान देना यात्रीगण ध्यान दे, ये जो 60 रन है वो किसकी वैल्यू है एक्स की, और एक्स कहां का माना था आपने 11 पारी का, तो पुराना औसत निकल कर आता है तो उसका पुराना औसत कितना हो गया 60 रन का था। नया एवरेज पूछा उसने, क्या पूछा फाइंड इज न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज क्या होगा, तो न्यू एवरेज जो होगा उसका औसत 5 रन क्या हो चुका है बढ़ चुका है, तो जो एवरेज 60 था अब वो 5 बढ़कर क्या हो गया आपका 65 हो गया। पुराना एवरेज 60 है और नया एवरेज कितना है 65 है, इसे नोट करो, इसे नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। बट एग्जाम में हम ऐसा सॉल्व नहीं करेंगे, एग्जाम में हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं दोस्तों। बच्चा एक्स प्लस कैसे आया, फाइव कैसे आया, मन्नू झा देखो ध्यान से, उसने बोला था कि 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाया जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ गया, पहले का औसत उसका कितना था एक्स था, तो अब नया औसत क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं फिर से बता देता हूं, ये देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन की पहचान ये है कि वो एवरेज नहीं देता है, 11 पारियों का एक सर्टन एवरेज था, सर्टन एवरेज को मैंने एक्स मान लिया, ये कब तक का एवरेज था तो 11 पारी का, भाई ने टोटल कितना बनाया होगा तो 11 एक्स, भाई ने अगली पारी में कैसा खेला तो 120 रन और बढ़ा दिए, टोटल रन हो गया 11 एक्स प्लस 120, कितनी पारियों का रन है ये 12 पारी का रन है, तो 12 से डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद जो औसत निकल कर आया उसके बारे में ये बोल रहा है एवरेज इंक्रीजेस बाय 5 रन, औसत 5 रन बढ़ गया, पहले एक्स था 5 बढ़कर एक्स प्लस 5 हो गया। ये निकल कर आया क्या, ये आया आपका ट्रेडिशनल तरीका। मुझे एक बार जल्दी से ठोक कर बताओ कि क्या मैं आप चाहते हैं उसका विजनरी अप्रोच लेना, क्या आप चाहते हैं ऊपर ऊपर से करना, रुपेंद्र सिंह ट्रिक बताइए, कितने लोग चाहते हैं कि ऊपर ऊपर से बता दो सर से, ऊपर ऊपर से, यस 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 यस, ध्यान दो, हो सकता है कि यहां कैलकुलेटिव नंबर आ जाए तो ये कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो ऊपर ऊपर से कैसे करेंगे देखो ध्यान से, बैटिंग करने उतर जाओ अपने लाइफ को जी लो उसमें, देखो ध्यान से किस तरीके से करेंगे, विराट का 11 पारी का एक निश्चित औसत रन संख्या है, विराट का 11 पारी का एक निश्चित औसत रन संख्या है, ध्यान से देखो ध्यान से, मैच कितने खेले 11, 11 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या है, मुझे पता नहीं कितना, मैच खेलने गया वो 12वां, ध्यान से देखना ऊपर से किस तरीके से कर रहे हैं, ग्यारह पारी की एक निश्चित औसत रन संख्या है दोस्तों, 12वीं पारी में उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाए, भाई ने कैसा खेला, या तो भाई अच्छा खेल कर आया होगा या तो खराब, ये मत सोचो कि सेंचुरी मार दिया तो अच्छा खेला, नहीं कुछ भी हो सकता है, हो सकता है पहले 200 रन मारता हो, 12वीं पारी का मैच देखो इसका, 12वीं पारी में खुद से बात करो, 12वीं पारी में 120 रन बनाया, इससे पहले या तो वो ज्यादा मारता होगा या तो कम मारता होगा, 120 से ज्यादा या तो कम, आज के मैच में मैंने 120 फोड़े, जैसी मार कराया सब मुझे गोद में उठा लिया, वाह 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 वाह, तूने तो अपने एवरेज को 5 बढ़ा दिया, अगर मैंने 120 रन मारने से मेरा एवरेज बढ़ गया इसका मतलब मैं पक्का पहले 120 से कम मारता हूंगा, है ना, मैंने आज के मैच में मारे 120 रन, पहले आज के मैच में मारे 120, पहले कितना मारता हूंगा, तो मैंने पूछा कि भाई हुआ क्या मेरे एवरेज के साथ, तो सबने बोला भाई साहब मजा आ गया तेरा एवरेज तो 5 रन बढ़ गया, तो अगर मेरे 120 मारने से मेरा एवरेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब मैं पहले 120 से कम मारता हूंगा, एवरेज बढ़ा कितना 5 रन, कितनी पारियों की 12 पारियों की, अरे 12 पारियों की एवरेज अगर 5 रन बढ़ गई है तो इसका मतलब इससे पहले मैं 120 माइनस 60 60 रन मारता था, सॉल्व करके आपने पहले का निकाला था 60 रन, ये ऊपर ऊपर से आ गया, तो पहले का एवरेज कितना हो गया उसका 60 रन, उसने पूछा क्या आएगा न्यू एवरेज कितना होगा, तो न्यू एवरेज के बारे में उसने बोला है कि नया एवरेज 5 बढ़ गया तो 60 प्लस 5 कितना हो गया आपका 65।
प्यारे बच्चों एक बार ध्यान से देखो, आज मैं 12वीं पारी खेलने गया और 12वीं पारी में मैंने बनाए 120 रन। 120 रन मारने से हुआ क्या, तो मेरा एवरेज बढ़ गया। मेरा एवरेज क्यों बढ़ गया, क्योंकि मैंने आज बहुत अच्छा खेला है। तो मैं पहले की बात करूंगा इस क्वेश्चन में कि पहले क्या था, 11वीं पारी तक क्या था, तो 11वीं पारी तक वो 120 से कम मारता होगा। अगर आज के 120 रन से उसका पारी का एवरेज बढ़ा है, जिसका मतलब आज वो बहुत अच्छा खेला, पहले वो खराब खेलता था। तो पहले कितना खेलता था, तो 120 से कम। एवरेज बढ़ा कितना, 5 रन। कितनी पारियों में, तो 12 पारियों की, तो 12 पंजे 60 रन कम मारता था पहले। तो 120 माइनस 60 कितना आपका, 60 रन। ये पहले का एवरेज है, तो पहले का एवरेज कितना हो गया, 60 रन। और नया एवरेज कितना हो गया, 60 प्लस 5 कितना हो गया, 65। अगला क्वेश्चन सेम है, उड़ाए से सेम क्वेश्चन है, खुद से बात करके क्वेश्चन उड़ा दें। कल से जीएस स्टार्ट होगा, 11 तारीख से इंग्लिश स्टार्ट होगा। रवि अभी मैं बताता हूं, फिर से देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। बच्चा अगर एवरेज डिक्रीज होगा, इसका मतलब तुमने बेकार खेला है, तो पहले ज्यादा मारता होगा, अभी डिक्रीज वाला आने वाला है। दोस्तों ये देखो, अ बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर टू इनिंग्स। 12 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी, मुझे नहीं पता कितना था। पारी खेलने गया ये 13वां, गया 13वां पारी खेलने और बनाया कितना, 96 रन। भैया 13th मैच में मैच नंबर 13 में इसने बनाए कितने, 96 रन। आज की पारी 13वां मैच में कितना बनाया, 96। या तो मैंने औसत से ज्यादा बना दिए होंगे, या तो कम, हाँ या ना। आज मैंने 96, यहां छक्का चौका मारते हुए 96 बनाया। अब ज्यादा बनाया कि कम बनाया, देखो ध्यान से। 96 रन मारने से हुआ क्या, उसके एवरेज में 5 रन की फिर से वृद्धि हो गई। अगर मेरे 96 रन मारने से मेरा एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब मैं पहले एवरेज पक्का 96 से क्या मारता हूंगा, कम मारता। मैंने मारे आज 96 रन, सबने बोला क्या खेला भाई तू, तो तेरे एवरेज तो 5 बढ़ गया। अगर मेरा एवरेज 5 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मैं पक्का पहले 96 से कम मारता हूंगा। एवरेज कितना बढ़ा, 5 रन। कितनी पारियों में, 13 पारियों में। तो 13 पारियों में 5 रन की वृद्धि हुई है, इसका मतलब पहले मैं 65 रन कम मारता होगा। तो 96 माइनस ऑफ 65 कितना हो गया भैया, 31। तो ये पहले का स्कोर आ गया। पहले का मतलब 12 पारियों तक का एवरेज कितना था, 31 था। भैया 12 पारी का एवरेज 31 था, तुमने पता नहीं क्या कौन सा माता आ गई तुम पे और तुमने 96 मार दिया। अरे जिसका 12 पारी का एवरेज 31 था, वो 96 मारकर आएगा, तो एवरेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एवरेज में अगर वृद्धि हुई है दोस्तों, तो इसका मतलब उसने बहुत अच्छा खेला है, पहले वो खराब खेलता था। एवरेज बढ़ कितना गया, 96 मारा और एवरेज 5 बढ़ गया, तो मतलब आज मैं बहुत अच्छा खेला, पहले मैं खराब खेलता था, तो 96 से पहले कम मारता था। कितना एवरेज बढ़ा, 5 रन। कितनी पारियों में, तो 13 पारी में। तो 13 पंजे 65 कितना, तो 31 रन पहले का था। पूछा क्या उसने, व्हाट विल बी हिज एवरेज आफ्टर 13th इनिंग, 13 पारी के बाद। 12 पारी तक का तो एवरेज 31 है, और 13 पारी के बाद मतलब जो नया एवरेज आएगा, न्यू एवरेज होगा, वो कितना होगा, तो 31 रन से 5 रन और बढ़ गया, कितना हो गया आपका, 36 रन। आज मान लो अगर मैं 200 रन मारा, तो मैं अच्छा खेला कि खराब खेला कैसे पता चलेगा, जब मुझे लोग बताएंगे कि भाई साहब तेरा एवरेज बढ़ गया या कम हो गया। वैसे आज मैंने खेले 96, सबने बोला भाई साहब मजा आ गया, क्या खेला तूने, तूने तो अपने एवरेज को 5 बढ़ा दिए। अरे 96 रन मारकर मेरा अगर एवरेज 5 बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि मैं बहुत अच्छा खेलकर आया हूं आज। पहले मैं एवरेज से कम मारता था, कितना कम, तो 5 रन एक्स्ट्रा मार दिया मैंने 13 मैचों में, तो 13 पंजे 65 रन का मारता था। तो पहले का एवरेज 31, नया एवरेज 36, ठीक है। अब ये डिक्रीज वाला क्वेश्चन लो, डिक्रीज वाला क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ये डिक्रीज वाला है। अगर एवरेज कम हो गया तब क्या करेंगे, एवरेज अगर कम हो गया फिर क्या करेंगे, अगर सर इसी में 5, अंकित कुमार साहू, देखो एवरेज कम वाला क्वेश्चन आप जो डिमांड कर रहे हो वही है।
अंश कुशवाहा, इसमें बताओ बच्चा। अरे अंतिम क्वेश्चन देखो ध्यान से, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से ना। अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर 35 इन हिज 20th इनिंग। भैया 28वें पारी में कितना बनाया? तो 28वें पारी में उसने बनाया 35 रन। 28th इनिंग, आज गया हमें खेलने 28वां पारी और खेल कर आया कितना? 35 35 रन बनाया। इससे पहले मेरे 27 इनिंग हो चुके थे, आज पारी कौन सा था? 28। मारे कितने मैंने? 35 रन। या तो मैं अच्छा खेला होगा या तो मैं खराब खेला होगा। 35 रन मार कर आया और मैं जैसे ही आया सबने बोला भाई साहब तूने क्या किया, तेरे खेलने से तेरा एवरेज डिक्रीज हो गया। किसने बोला तुझे 35 रन मारने? तूने अपनी एवरेज बिगाड़ ली, तेरा एवरेज कम हो गया। 28वां मैच का परफॉर्मेंस एवरेज कम हो गया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि पहले मैं पक्का 35 रन से ज्यादा मारा। आज 35 मारा और कोई किसी ने मेरी इज्जत नहीं की, बोला भाई क्या खेला तू, क्या बैट उठा रहा है ऐसे से, सिर्फ 35 ही मार कर आया, तेरा एवरेज तो कम हो गया 0.5। अगर एवरेज कम हो रहा है इसका मतलब पहले मैं अच्छा खेलता था, आज का पारी मैंने बहुत खराब खेला, इसका मतलब एवरेज कितना कम हुआ? तो एवरेज कम हुआ 0.5। कितने मैचों में? तो 28 पारियों में। तो 28 गुना 0.5 एवरेज खराब, कितनी पारियों की हो? तो 28 पारियों की एवरेज खराब हो गई। आज मारा 35 रन, इससे पहले या तो कम मारता होगा तो ज्यादा। कैसे पता चलेगा कि कैसा खेला मैंने? वो बताएगा कि एवरेज के साथ हुआ क्या। उसने बोला भाई साहब ऐसा है, आज आपके 35 रन मारने से आपका एवरेज 0.5 कम हो गया। इसका मतलब ये है कि आप पहले बहुत अच्छा खेलते थे। किसने बोला आज आपको 35 मारने? तो भैया पहले कितना मारता था? तो 35 प्लस 28 गुना आधा कितना होगा? 14। कितना हो गया भैया ये? 49। ये पहले का निकल कर आ गया, पहला कितना हो गया? 49। पहला मतलब 28वें पारी से पहले। तो 27 पारियों का एवरेज कितना हो गया आपका? 49। पूछा कितना है? तो उसने बोला फाइंड द एवरेज ऑफ द 27 इनिंग। और ये पहले का ही है, 28 पारियों का तो 35 है, 28 पारियों में तो 35 मारा, ये पहले का एवरेज निकल कर आया। तो पहले का एवरेज कितना हो गया आपका? 49 रन। अगर वो 28 पारियों का एवरेज पूछेगा, नया एवरेज पूछेगा, तो एवरेज 0.5 कम हो गया है। तो 49 में से 0.5 कम कर देना, 48.5 हो जाएगा। अगर एवरेज 2 दे रखा हो तो, अगर एवरेज 2 दे रखा होगा, अगर एवरेज दे रखा होगा तो ऑलरेडी दे रखा है। अगर एवरेज 2 कम हो गया होता तो मैं 28 गुना 2 करता। खैर इस क्वेश्चन में 28 गुना 2 करता तो कितना? 56 रन जोड़ देता। ध्यान रखना आज के मैच पर डिपेंड करेगा कि आपने कैसा खेला। अगर आज के मैच से आपका एवरेज बढ़ रहा है तो आज आपने अच्छा खेला होगा। इसने क्या किया? 28वें पारी में 35 मारा और 35 मारने के बाद पता चला कि इसकी एवरेज क्या हो गई है? कम हो गई है। 35 रन मारने के बाद भी अगर एवरेज कम हो गई मतलब पहले ये बहुत अच्छा खेलता था। एवरेज कितनी कम हुई? 0.5। कितनी पारियों में? 28 पारियों में। तो 28 गुना आधा कितना? तो 14 रन एक्स्ट्रा मारता था पहले। 35 प्लस 14 कितना? 49 पहले चल रहा था, जिसका एवरेज 49 चल रहा था वो 35 मारेगा तो होगा ही कम। तो पहले का एवरेज कितना हो गया? 49। उसने बोला पहले का निकालो, 28 मैच से पहले, 27 मैच का, तो 49। अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से। अंतिम क्वेश्चन उड़ा दे, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन फटाक से उड़ाए फटाक से दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन है, झंडा गाड़ते हुए जाएं। बिल्कुल सर, आपका कोनो जवाब नहीं है, नहीं बा काम आ रहा, कहां से हवा तू ऊपर करना, किसका कमेंट? बस 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 नहीं, और हाँ सोनू सल्होत्रा, कौन से जिले से हो दोस्त? बहुत अच्छी बात है, एक ऐसा चैनल जिसमें विभिन्न प्रांतों के लोग बैठकर पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं। खूबसूरती की बात तो ये थी कि लगातार आंसर दिया इन लोगों ने, याद सिर्फ तीसरी क्लास थी इसकी एवरेज की। बहुत सही दोस्तों, बहुत सही, बहुत सही। 55, देखो अपने आप को देखो, आप लोग के लगातार आंसर आ रहे हैं 55 55 55 55 55 55।
लगातार 55 आंसर आ रहे हैं, बहुत सही धड़धड़ा कर आंसर आ रहे हैं, बहुत सही खूबसूरत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और किसी बच्चे का फोन आया था, वो कह रहे थे सर एक बात बताइए सर, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में कोई डिफरेंस है क्या? तो भाई साहब ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको चाहिए कि हम परवरिश आपके सामने रहकर करें तो आना, वरना तो भैया अपने प्रांत में बैठे रहो और मजे लो पूरा, एकदम पूरा कंटेंट देखिए ध्यान से, ठीक है। यहां हम आपको अच्छे से गाइड इसलिए कर देते हैं क्योंकि आप हमारे सामने होते हैं, आप हमसे डरते हैं, कॉम्पिटिशन का माहौल होता है ना, सारे वर्दी पहने हुए होते हैं, सबका यूनिफॉर्म में बैठे होते, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, सबके बीच में एक दूसरे के बीच में कॉम्पिटिशन होता है। घर पे अगर आप कंपटीशन बना पा रहे हैं, ऐसा माहौल क्रिएट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, वरना कंटेंट हम पूरा देते चले जाएंगे। तो भैया अगला क्वेश्चन उड़ा दो। अरे उड़ा दिया आंसर, उड़ा दिया पक्का, कितने लोगों ने उड़ा दिया आंसर? अरे बहुत सही, आ जा। ठीक है, तो आपके सामने भी देखो ध्यान से, कैडेट्स का देखते हैं, ये आपके जैसे ही एक वाई ग्रुप का लड़का है, देखता है कि ये सामने बैठकर इन्होंने सही से किया कि नहीं, देखते हैं सही कर किया कि नहीं। ध्यान रखो अपने आप को देखो इनमें, अपने आप को देखो, ऐसे ही बनना है, ये कॉन्फिडेंस शो करना है, पोडियम पर आकर आपको आंसर्स देने हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि यहां परवरिश की जाती है। कितना आंसर है दोस्त? 1497 काटा, 42, 40, 55, बहुत सही भैया, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सही लड़के, बहुत सही। इसको कहते हैं ऊपर ऊपर से उड़ाना, और इसीलिए रात को 8 बजे हम डेली आप और हम मिल रहे हैं कि हम भैया हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम ऊपर ऊपर से जिएंगे लाइफ को। देखो ध्यान से, जो भाई ने किया हूबहू मैं करूंगा। अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर 97 इन हिज 14th इनिंग। भैया 14th इनिंग में 14वां पारी में उसने 97 बनाया, इससे पहले ऑलरेडी 13 इनिंग हो चुके हैं, 13 इनिंग में कैसा खेला अभी नहीं पता। आज मैं खेलने गया 14वां पारी और रन बनाए मैंने 97, मैंने अच्छे बनाए कि खराब बनाए मुझे नहीं पता, 97 रन मैंने अच्छे बनाए कि खराब बनाए मुझे नहीं पता, पहले मैं अपने दोस्तों से पूछूंगा। 97 रन मारकर जब मैं अपने पवेलियन पे लौटा, सबने बोला कि भैया तेरा एवरेज 3 रन, सबने मुझे गोद में उठा लिया, अरे वाह 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 रोशन सर आपने तो एवरेज को बढ़ा दिया। अरे 14वें पारी में रोशन सर ने मारा 97 रन, जिससे रोशन सर का एवरेज बढ़ गया, सबने गोद में उठा लिया कि भाई साहब क्या खेला तूने, इसका मतलब पहले रोशन सर तो 97 से खराब खेलते थे, वो तो आज के पारी ने एवरेज को बढ़ा दिया, वरना रोशन सर तो पहले 97 से कम मारते थे। हे रोशन सर, आपने अपने पारी के एवरेज को 3 रन बढ़ा दिया, कितने पारी के? तो 12 पारी को फायदा, 14 पारी को फायदा हुआ, औसत बढ़ा, कद्दू कटा, सब में बढ़ा, 14 पारियों का एवरेज 3 रन बढ़ गया है, इसका मतलब आज की पारी आपकी बहुत अच्छी है, पहले आप कम मारते थे, कितना कम, आपने 14 गुना 3 बढ़ाया है एवरेज 3 पारियों में, इसका मतलब आप पहले 97 माइनस ऑफ 42 कितना हो गया भैया, कितना पहले का कितना हुआ आपका 55 रन, तो भैया पहले का एवरेज निकल गया, पहला मतलब 13 पारी तक का एवरेज कितना हो गया 55, रोशन सर का एवरेज 13 पारी तक का 55 चल रहा था, रोशन सर को पता नहीं क्या हुआ उनने 97 फोड़ दिए। अरे जिस बंदे का एवरेज 55 चल रहा था 13 पारी तक का, वो अगर 55 97 फोड़ेगा तो एवरेज बढ़ेगा, वही एवरेज बढ़ गया, जितना एक्स्ट्रा मारा 42 रन 14 पारी में बढ़ गया। तो भैया देखो ध्यान से, तो भैया पुराना एवरेज कितना निकल कर आ गया 55, उसने पूछा क्या है, फाइंड एवरेज ऑफ 13 इनिंग, 14 पारी तक का एवरेज कितना है निकालने बोला कि 13 पारी, तो उसने 13 पारी मतलब पुराना निकालना है, तो पुराना एवरेज निकल कर आ गया 55 रन का। अगर नया एवरेज पूछता तो एवरेज 3 रन बढ़ गया है, तो 55 प्लस 3 कितना होता, 58। उसने पूछा पुराना एवरेज, फिर से देखो 14 पारी में कितना मारा उसने, 14वें में 97 मारा, एवरेज बढ़ गया मतलब पहले खराब खेलता होगा, कितना एवरेज बढ़ा 3 रन, कितनी पारी में 14, तो 14 तिया 42 कम मारता था पहले, तो पहले का एवरेज 55, 13 पारी तक का एवरेज कितना है 55, तो 13 तारीख। नया पूछा अगर होता
कि नया एवरेज कितना होगा, तो एवरेज 3 बढ़ा तो 55 + 3 = 58 हो जाता। तो आज का ये क्लास था आपका क्रिकेट पर। तो ऐसे ही हम बिना कॉपी पेन उठाए ऊपर ऊपर से कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। डेली मैंने आपको बताया था एक ही कंसेप्ट पर अलग अलग पहलू देखेंगे। पहले दिन हमने देखा था नंबर्स, फिर किसी के आने से जाने से, और आज हमने देखा क्रिकेट। सोमवार को फिर से 8 बजे में फिर से आपके साथ मौजूद होऊंगा। शनिवार और रविवार को मेरी क्लास नहीं चलेगी, कल आपकी मेरे स्थान पर जनरल स्टडीज की क्लास चलेगी जीएस की, और 11 तारीख से इंग्लिश की। और फिर नया आप लोगों के वाई ग्रुप के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोगों के लिए डेली मेरे से पहले रीजनिंग की भी क्लास चलने वाली है डेली लगातार। तो नेहा मैम आप लोग को रीजनिंग पढ़ाने वाली है ऑनलाइन, तो लगातार इंतजार करेंगे कैडेट्स डिफेंस एकेडमी के एक से एक जम्स के साथ। तो मिलते हैं दोस्त, तब तक के लिए शुभ रात्रि। मैं रोशन प्रताप सिंह हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।